अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा मारिया बी एम प्रिंट का 1A, जो अभी तक माशाल्लाह इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि ये आर्टिकल ही बहुत ही खूबसूरत है और कलर स्कीम इसकी जो है वो बड़ी एलिगेंट है। हमने माशाल्लाह इसको स्टिच किया सेम एज मॉडल की तरह। आप अगर इसकी लुकिंग चेक करें, जो एम्बेलिशमेंट है वो हमारी 100% आप कह सकते हैं कि सेम एज मॉडल है। तो वही सारी जो है वो आपकी मेन लुक की, आपकी कह लें कि आपकी ड्रेस की जान होती है। तो हमने इसको बनाया माशाल्लाह बड़े एंटीक स्टाइल के साथ, हमने इसको स्ट्रेट शर्ट के साथ बनाया, एम्बेलिशमेंट वगैरह हमने सेम की है। बाकी आपको पता है कि इसकी लुकिंग ओबियसली थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रेट शर्ट और फ्रॉक में डिज़ाइन में फ़र्क आ जाता है। नेक लाइन से स्टार्ट करें तो नेक लाइन जो है ये हमारा साइज़ थोड़ा सा बिग साइज़ है, इसलिए हमने इसको उस तरह नहीं बनाया जैसे मॉडल ने पहना हुआ था। नेक लाइन हमने डिफरेंट कर दिया, ये जो पैच वर्क था इसको हमने वी स्टाइल के साथ बनाकर इसके ऊपर ये सारी जो पेटल्स इसके साथ ब्रांड की तरफ से आई हुई थी वो हमने इसके ऊपर ही अप्लाई करवा दी है। तो ये आप लुकिंग चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा नीट काम हुआ हुआ है, तरपाई करवाई हुई है हर चीज़ की। बाजू की अगर बात करें, बाजू हमने 100% सेम बनाए हैं, जिसमें आप अगर लुकिंग चेक करें फ्रिल बना दी है, फ्रिल के साथ ये सारी हैंगिंग हमने खुद डाई करवा के तो फिर हमने यहाँ पर इसको अप्लाई करवाया और मैं इसकी अटैचमेंट करवाई है, लेसिस की अटैचमेंट है और फ्रिल की अटैचमेंट है। आगे फ्रिल की हमने रफ़ल निकाल दी है, जो आपको धागे धागे नज़र आ रहे हैं इसको रफ़ल कहते हैं। दोनों जो बाजू हैं वो हमारे सेम स्टाइल के साथ हमने इसको रेडी करवाए हैं, सारी थ्रेडिंग है और एप्लिक वर्क हुआ है। नीचे से हमने जो फैब्रिक है वो स्किप कर दिया, ऊपर ये सारे आपको बाजू नज़र आ रहे हैं, बड़े एलिगेंट हैं और बहुत मज़े की माशाल्लाह कह लें कलेक्शन बनी है। और इसकी जो फ्रिल है उसकी वजह से लुकिंग बड़ी एलिगेंट आ गई है। नीचे अगर दामन की तरफ आएँ तो दामन पर आप अगर चेक करें, चाकों पर हमने इसकी फेसिंग लगा दी है ट्राउज़र की, सारी हमने तरपाई की। वह तरपाई से क्या होता है कि आपकी सिलाई नज़र नहीं आती, बड़ा नीट काम हो जाता है। अब एंड पे हम आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन का जो पार्ट है वो माशाल्लाह बहुत एलिगेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर हमने लैस लगाई है दुपट्टे वाली। टाई एंड डाई के साथ थ्री डिफरेंट ट्यून के साथ हमने लैस को डाई करवाया था, वही लैस हमने इसके दामन पे लगाई है फ्रंट और बैक। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये सारा काम जो है फेसिंग लगा कर ये सारा नीट एंड क्लीन काम किया गया है। आप अगर दुपट्टे की लैस चेक करें तो ये हमारी 100% सेम दुपट्टे वाली लैस है, जो हमने इसको यहाँ पर अप्लाई करवाया और उसको हमने डाई करवा के थ्री डिफरेंट कलर्स के अंदर हमने इसको रेडी करवाया। तो माशाल्लाह आप लुक चेक कर लें, बहुत प्यारी सी लुक आई है लेस लगने के साथ। और जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर भी सारा प्रिंट हुआ हुआ है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग हमने एक्स्ट्रा नहीं की। और ये इसकी जो लेसिस हैं ये आप चेक करें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है इसका प्रिंट जो है वह लेसिस का आया हुआ है। तो ये माशाल्लाह हमारा हो गया जी इसका फ्रंट और बैक साइड। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं इसके ट्राउज़र पर। ट्राउज़र हमने इसका स्ट्रेट बनाया और मॉडल ने तो कह रहे हैं कि ट्यूलिप पहना हुआ था, बट ट्यूलिप हर लेडीज़ जो है उसको लाइक नहीं करती, इसलिए हमने इसको ट्राउज़र इसका स्ट्रेट बनाया और माशाल्लाह एंड पार्ट के ऊपर सिलाइयाँ लगा कर तरपाई करके हमने अपना काम कंप्लीट कर दिए। लास्ट मूव करते हैं जी दुपट्टे की। दुपट्टे की जो सारी की सारी लुकिंग है वो है इसकी लेस की वजह से, क्योंकि दुपट्टे पर भी कह लें कि टाई एंड डाई लेस लगी हुई है और वही लेस हमने यहाँ पर लगाई है और सेम लेस हमारी। इसको हमने थ्री डिफरेंट ट्यून के साथ इसको हमने डाई करवाया। डाई करवाने के बाद आप लेग आप इसकी लुक चेक करें कि दुपट्टे की जो फोर साइड जो लुकिंग आ रही है वो माशाल्लाह बड़ी एलिगेंट सी आ रही है। दुपट्टे के अंदर जितने प्रिंट्स हैं वो सारे प्रिंट्स को माइंड में रखकर देन हमने इसकी जो है डाइंग करवाई है और तीनों कलर डाइंग के साथ हमने इसको जो नीचे फेसिंग लगाई है वो कह लेंगे पर्पल शेड की फेसिंग है, ताकि जो आपकी लुकिंग है वो माशाल्लाह बड़ी एलिगेंट आ जाए। किनारे हमने जो है इसके जो बनाए हैं आप देख सकते हैं कि हमने तरपाई करवा कर बनाए, क्योंकि ये आपको पता कलर्स इसके थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपको तरपाई भी बाज़कर आपको करनी पड़ती है अपने कॉलर्स बनाने के लिए, देन जाके आपकी जो लुकिंग है वो माशाल्लाह बड़ी एलिगेंट हो जाती है। तो लेसिस के साथ जो है इस पूरे दुपट्टे की लुक है और शर्ट की भी लुक है, क्योंकि टाई एंड डाई से, क्योंकि आपका सारा ड्रेस ही जो है वो आपका 3 to 4 डिफरेंट कलर्स के अंदर है, तो हमने भी उस कलर्स को इन कलर्स को माइंड में रख के देन इसकी सारी लुकिंग की है। तो ये हमारा इसका जो है आज का एक छोटा सा ब्लॉग था, जिसमें हम मारिया बी 1A की स्टिचिंग शेयर की। अब इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 डेज़ के बाद आप देखेंगे कि आपको एम प्रिंट लग्जरी जो एम प्रिंट जो इनकी कैम्ब्रिक में लॉन्च हो रही है विंटर में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि डेली के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त और टाइम के साथ पहुँचते रहें।